कि प्रॉपर तरीके से। अब देखिए फिनिशिंग देखिए कैसे दिख रही है आपको, दिख रही है ये देखिए दोस्तों एक चरखी कैसे फिट किए जाते हैं मैं वो भी आज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे सेट की जाती है बढ़िया से, ये चल रही है एक नंबर की, ये देख लीजिए आप, ये एक फ़ोटो वाली चरखी बन रही है दोस्तों। देखिए इसमें जो थोड़ा वो टेढ़ापन है वो ठीक कर रहे भाई ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ऐसे सेट की जा रही है चरखी, ठीक है। अब इसका बैलेंस देखिए, बैलेंस देखने के लिए इसको सेट कर रहे हैं हम, टेढ़ा टूढ़ा जो थोड़ा बहुत टेढ़ा चरखा चलेगा ना उस तरीके से, ये देखिए ये देख लीजिए ये चल रही है ऐसे। अब ये निकाल लीजिए, चलो अभी इसमें कुछ दिक्कत है थोड़ी सी पाइप में, तो इसको निकाल के अब सेट कर लेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर चरखी बनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, मान के चलिए 20 से 25 मिनट भी लग जाती है। ये ऐसे घिसाई करते हैं इसकी, घिसाई करने के बाद इसके कोने बैठाए जाएंगे हर तरीके से, ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये चारों तरफ से कोने बैठा दिए जाएंगे, ठीक है। कोने बैठाने के बाद फिर इसको दोबारा सेट करके देखेंगे हम इसके अंदर। अभी देख ही लीजिए आप, आपके सामने एक चरखी दिखा रहा हूँ कैसे, एक प्रॉपर एक बढ़िया चरखी कैसे बनती है, ठीक है। ये देखिए ये सेट कर दिया, अभी और थोड़ी सी कुछ कमी बेसी होगी तो इसको फिर एक बार घिसेंगे, ये देखिए। अभी देखिए दोस्तों घिसाई का काम चालू है अभी, और ये तो चरखियाँ होती हैं असली, मेरे को तो ये ऐसी चरखियाँ पसंद आती है दोस्तों, देख लीजिए आप, ये देखिए दोबारा इसको सेट कर रहे हैं। ये फ़ोटो वाली चरखी बनती है, लेज़र फ़ोटो वाली नहीं, नॉर्मल फ़ोटो वाली। लेज़र वाली तो जमाने के चलिए थोड़ा रेट हैवी हो जाता है, ये देख लीजिए अभी बैठी नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी बैठा रहे हैं, अभी इसको प्रॉपर तरीके से ये देख लीजिए, चला चला के देख रहे हैं, ये देख लीजिए अभी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जहाँ से कभी होगी ना उसको सीधे करेंगे ऐसे, ये देखिए कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहा है, अभी थोड़ी और घिसाई चालू रहेगी इसकी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एक चरखी कैसे फिट हो रही है, मैं अभी आपको दिखाई रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए पहले इस पर ना चारों तरफ हम तागा लपेटते हैं ऐसे, उसके बाद देखिए ये एरोलाइट तो नहीं है कुछ और ही है, इस पर फिर अपना चिपकाने वाला जो इनका आइटम होता है वो वाले लगा रहे हैं अपने साकिब भाई, ये देख लीजिए साकिब भाई ने ना अपना जो आइटम है जिससे ये चिपकता है, ये देखिए गोंद रखा है इनका, अभी लगा के इस पर ऐसे ठोक देंगे, फोटो वाली चरखी तैयार हो गई टाइटनेस से बढ़िया से, ये देख लीजिए। अब ये इधर मतलब इन्होंने पहले वो लगाया, अब इसके ऊपर फ़ोटो रखा, अब इसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर एक प्लेट, देखते हैं कहाँ पे है वो प्लेट, अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, एक प्लेट होती है उनके, ये देखिए ये वाली प्लेट हमने लगा दी इसके ऊपर भी सेट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, ये देखिए इसके ऐसे बढ़िया से चारों तरफ से सेटिंग की जा रही है ऐसे प्रॉपर तरीके से ठोक के,
ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। उसके बाद ये देखे धागा लपेट रहे कैसे, ये देखिए ऐसे धागा लपेट के इसको थोड़ा टाइटनेस किया जाएगा ताकि ये निकले ना। ये देख लीजिए आप कैसे इसको धागे से लपेट रहे, अभी धागा यहाँ से तोड़ दिया जाता है, ये इस पर जो मटेरियल वो लगा दिया जाएगा ताकि ये निकले ना। ये देखिए ये लगा दिया है, ये देखिए अब इसके ऊपर लगेगी स्टील की गिट्टी। देखिए जरा दोस्तों, गिट्टी दो तीन तरीके की होती है, एक ये प्लास्टिक वाली, ठीक है, एक ये भी स्टील वाली, ये वाली, और उसके बाद एक ये आती है एल्यूमिनियम की, और एक ये वाली। और इनमें से सबसे बढ़िया की अगर बात की जाए तो कौन से वाली रहती है, ये वाली सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों, ठीक है। ये होती है क्वालिटी वाइज, ये वाली गिट्टी लगेगी इस वाली चरखी पर, ये देख लीजिए। अब ये लगा दी जाती है ऐसे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ना सारे तरीके की गिट्टी दिखा दी जो एक चरखी पे लगती है। अब ये चरखी होगी रेडी, इस पर थोड़ी ये देखिए, ये ऐसी चरखियाँ होती है, ये वाली गिट्टी होती है। ये प्लास्टिक वाली गिट्टी की जो चरखियाँ होती है ना वो सस्ती होती है, फिर उससे थोड़ी सी कॉस्टली वाली ये हो जाती है, फिर ये वाली होती है, फिर सबसे महंगी ये वाली होती है, ये वाली तो सबसे महंगी। ये देखिए इसमें सुराख भी हो रखा है, ठीक है, इसमें सुराख पहले ही ड्रिल करवा लिया जाता है। अब इसके अंदर से कील ठोक दी जाएगी ऐसे, अब ये देखिए अब यहाँ पे कील ठोक दी जाएगी इससे, देखिए कितनी बारीकी से काम कर रहा है। प्रॉपर ठोक दी गया है इसको, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए इसको कैसे फिनिशिंग कर दिया गया है। अब एक बार इसको कपड़े से हम पोंछ देते हैं, अब देखिए देखिए फिनिशिंग देखिए चरखी, ये देखिए अब इस पर पॉलिश होगी एक बार, ठीक है दोस्तों। अब इसको सेट करके फिर पॉलिश होती हुई मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब एक इधर से भी जो कील लगनी है मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सेट की इधर से, ये वाली कील होती है, इसको हम एक इंची कील बोलते हैं, ठीक है। अब एक इंची की कील इसमें लगा दी जाएगी, ये हमारे साकी भाई का कारखाना है, ये देख लीजिए। देखिए कई लोगों को ना ऐसी भी मिल जाती है मुड़ी हुई, ठीक है, तो वो बल्किंग में जाती है। अब इसको कोशिश करते हैं तो निकालने की या फिर सीधी करने की, ठीक है, इसको हम सीधी करेंगे, कोशिश करेंगे इसको सीधी कर लें, ये देखो सीधी करके अब इसको ठोक देंगे दोबारा से, ये ठोक देंगे। अब ये थोड़ी सी मुड़ गई है, इसको फिर इससे थोड़ा सा यहीं के यहीं या तो बैठाने की कोशिश की जाएगी पूरी, ठीक है। मुड़ी हुई थोड़ी सी अजीब लगेगी दोस्तों नई वाली चरखी पर, कि जब फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए, तो यही चाहते हैं, ठीक है, किसी भाई का भी काम हो। ये देखिए अभी ये देख के कितनी मुड़ी है, हल्की सी मुड़ी है, ये सीधी नहीं हो पाएगी, अब इसको यहीं से यहीं की यहीं ठोक दिया जाएगा बस, अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये चरखी फिक्स हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इस पर टेपिंग की जाएगी इसको सजावट के तौर पर, ठीक है। इसमें कई तरीके की टेपिंग होती है, ये देखिए जैसे ये टेपिंग लगा रखी है ना हमने रंग बिरंगी, लाल पीली जो भी टेपिंग होती है वो सब ये तरीके की होगी, इस तरीके की टेपिंग होती है, हर चरखी पे टेपिंग होती है तभी वो सुंदर लिखती है। अब देखिए अभी ये टेपिंग हो रही है, ये देख लीजिए, ये देखिए ये रेड से टेपिंग कर दी है, अब एक और से इसको टेपिंग कर देंगे, ये देखिए ये रेड वाली टेप से होके अब इसको काट देंगे। देखिए दोस्तों इसमें भी है ना जो ये पाइप लगा ना, ये थोड़ा सा हैवी वाला पाइप है, A1 क्वालिटी का, ये प्रीमियम क्वालिटी का मान के चलिए, और जो ये वाले होता है ये थोड़ा सा सस्ते टाइप में होते हैं, तो जो महंगी चरखे होते हैं उनमें हम मोस्टली ये वाला ही पाइप लगाते हैं, क्योंकि गिरे टूटे चाहे कुछ भी हो तो ये इससे ना तो टूटने का चांस ख़त्म हो जाता है। ये देख लीजिए ऐसे टेपिंग करके पूरी फिनिशिंग के साथ,
एक चरखी रेडी कर दी जाती है। ये हो गई हमारी चरखी रेडी दोस्तों। अभी इस पे लास्ट काम बचा है सिर्फ पॉलिशिंग का। बस अब इसको हम पॉलिश करते हुए दिखाते हैं आपको इसके पॉलिश कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, चरखी देखिए कितनी बेहतरीन चल रही है। ये देखिए कैसे चल रही है, आप दिख रहे हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया से चल रही है चरखी। ये देख लीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी पॉलिश। ठीक है दोस्तों, नीचे जाके पॉलिश दिखा देते हैं। ये सारा स्टॉक लगा पड़ा है, जिस भाई को भी जो चाहिए मैंने नंबर वगैरह दे दिया, आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों, अब जो हमने चरखी रेडी करवाई थी ना उस पर हो रही है अब फिनिशिंग वाला काम, मतलब पॉलिश लगा रहे उसको। ये देखिए चरखी कैसे घूम रही है, ये देख लिया आप लोग। जब तक इस पर यह पॉलिश नहीं लगेगी ना, फिनिशिंग नहीं आती चरखी पे, चाहे कितनी बढ़िया। अब ये देखिए चमक रही है बिल्कुल, इसमें देखिए और इसमें फ़र्क देखिए। अभी ये साइड से हम एक साइड से प्रॉपर करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, चरखी हो गई रेडी, मतलब ये सारी पॉलिशिंग वगैरह हो गई, चमक गई अब चरखी भाई। ठीक है, ये देख लीजिए ये चरखी हो गई रेडी।